लाइफस्टाइल में, जैसे आजकल करंट हमारा जो न्यू नॉर्म ऑफ द सोसाइटी है कि लेट नाइट सोना, एक्सरसाइज ना करना, या स्ट्रेस ज़्यादा, या जंक फूड ज़्यादा, या स्मोकिंग ज़्यादा, तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर डार्क सर्कल्स डेफिनेटली हैं। डार्क सर्कल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लोगों को है इस वक्त, और सब लोग परेशान हैं, सोचते हैं कि शायद कम सोने की वजह से है, और हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हो। बहुत सारे माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं जो डार्क सर्कल सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में भी और आपके माइंड में भी ज़रूर होंगे, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरुचि पुरी। हेलो मैम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कैसे हो आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड टू। मैम, आज डार्क सर्कल्स के बारे में बात करने वाले हैं, और आपके मैं देख रही हूँ आपके तो बिल्कुल डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आज आपसे बहुत सारे टिप्स लेने वाले हैं, या मतलब टच होल्ड, एंड जानना चाहेंगे कि आपके कैसे नहीं है और आप कैसे टेक केयर करते हो और हमें कैसे टेक केयर करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मिथ्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो मैम यही आता है कि डार्क सर्कल्स जो है वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, सो इट्स अ मिथ या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, वन ऑफ द रीजन्स फॉर डार्क सर्कल्स इज लाइफ स्टाइल ऑल्सो। तो लाइफ स्टाइल में अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होना, स्मोकिंग करना, लेट नाइट सोना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, ये सारे रीजन्स डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ये सब इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, और आई के आसपास की स्किन थिन होती है, तो जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी के अंदर शुरू होगा तो उसका इफेक्ट आईज के आसपास ज़रूर नज़र आएगा। ओके, तो ये एक फैक्टर तो है, बट डेफिनेटली मल्टी फैक्टोरियल होता है अंडर आई डार्क सर्कल्स। जेनेटिक हो सकता है, ड्राई स्किन की वजह से हो सकता है, डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, थायराइड पेशेंट्स में हो सकता है, एलर्जिक या एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट्स में हो सकता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारण, एंड स्लीप इज अ वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर्स। यस, ओके, एंड डार्क सर्कल्स आर अ साइन ऑफ एजिंग, तो ये मिथ है या फिर फैक्टर? जैसे जैसे एज करते हैं, फिर से वही बात हो गई कि कुछ सेल्स अपने आप इन्फ्लेमेशन होती है, डैमेज होने लगते हैं, और वो डैमेज हमेशा आई के आसपास ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, स्पेशली अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो यस, एजिंग कैन प्रेजेंट एज अंडर आई डार्क सर्कल्स ऑल्सो, बट एजिंग के और भी अलग अलग कारण होते हैं। ओके, प्रेजेंटेशंस होती है। एग्जैक्टली, एंड मैम जैसे खीरा ककुम्बर हम बोलते हैं कि स्लाइसिस रखो और ठंडक मिलती है, और उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स जा सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सच में हेल्पफुल होता है? एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम इसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को, खीरा या फिर ऐसी चीज़ें लगाकर? नहीं, ये होम रेमेडीज आपको टेम्परेरीली बेनिफिट ज़रूर करती हैं, जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हो गए या ठंडा खीरा लगा लिया, तो इन्फ्लेमेशन डाउन आएगी, ब्लड सप्लाई बेटर होगी, तो डार्क सर्कल्स डेफिनेटली उस टाइम के लिए कम लगने लगेंगे, बट ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ मेडिकेशंस लगाने के लिए, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, विटामिन के बेस्ड क्रीम्स, कई बार पिगमेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, आरब्यूटीन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लगाने चाहिए, ये यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, एंड मैम अगर डार्क सर्कल किसी को है तो इट्स अ सीरियस हेल्थ कंडीशन या फिर नहीं? यूजुअली नॉट, बट अंडर आई डार्क सर्कल्स कैन बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसीज। तो अगर आपको सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तब भी आपको डार्क सर्कल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सीवियर एलर्जिक डर्मेटाइटिस है तब भी डार्क सर्कल्स की तरह, या कोई ऐसे सीरियस इलनेसेस बॉडी के अंदर चल रही हैं तब भी डार्क सर्कल्स उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। बट उसके साथ साथ फिर कुछ और प्रेजेंटेशंस भी नज़र आएंगी, तब आपको क्लू हो जाएगा कि यस ये बीमारी है। ओके ओके, तो मैम ये कुछ मिथ्स थे, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मेन हमारे डार्क सर्कल्स को लेकर है। तो मैम पहला क्वेश्चन तो ये ही आता है माइंड में कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं? आपने बताया लाइफस्टाइल फैक्टर इज अ मेन थिंग, तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड है? लाइफस्टाइल में जैसे आजकल करंट हमारा जो न्यू नॉर्म ऑफ द सोसाइटी है कि लेट नाइट सोना, एक्सरसाइज ना करना, या स्ट्रेस ज़्यादा, या जंक फूड ज़्यादा, या स्मोकिंग ज़्यादा, तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर डार्क सर्कल्स डेफिनेटली हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटिंग द स्किन अराउंड अंडर आई एरिया, मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है अंडर आई के आसपास, बिकॉज नॉर्मली हमने एक डैप किया और पूरे फेस पे लगा लिया एंड वी स्किप दिस एरिया,
तो अंडर आई को अलग से इम्पोर्टेंस देनी है, सनस्क्रीन भी इस एरिया में ज़रूर यूज़ करना है एंड आइडियली इट शुड बी रिपीटेड। अगर आपको लग रहा है आपने मेकअप करा हुआ है और सनस्क्रीन दोबारा रीअप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो सनस्क्रीन स्टिक्स अंडर आई एरिया के लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी। ओके एंड मैम व्हाट डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प रिड्यूस डार्क सर्कल्स? डाइटरी में तो जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे आपके अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां हो गए जिसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, एप्पल हो गया, बीट रूट हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां, ये आपके लिए डार्क सर्कल्स में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ओके एंड मैम एलर्जीज जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है डार्क सर्कल्स? जैसे कि अभी हमने बात की कि अटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरह की स्किन एलर्जी होती है। ओके उसमें लोगों को जल्दी ड्राइनेस हो जाती है, रफनेस आ जाती है, ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, तो उसमें अंडर आई कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ऑल्सो। तो उसमें आपके एंटीबॉडी लेवल एलर्जी टेस्ट आप करा सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एलर्जी की वजह से तो नहीं है। ओके एंड मैम अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें डार्क सर्कल्स के तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? तो जैसे अभी हम क्रीम्स की बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डे टाइम। रात में आपको अगर लग रहा है कि पिगमेंट ज़्यादा है तो आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम्स अराउंड द अंडर आई यूज़ करनी होगी, और अगर ब्लड फ्लो पुअर होने की वजह से डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उस तरह की क्रीम यूज़ करनी होगी। अगर फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं तो आपको रेटिनॉल या पेप्टाइड्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें। ओके एंड मैम जैसे आजकल अंडर आई रोलर आ रहे हैं तो ये इफेक्टिव होते हैं?